नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गए हैं रोज की तरह कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आपको आज के टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगते हैं तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है यहाँ पर, दही जब भी हम लोग जमाते हैं जो उसके ऊपर पानी आ जाता है उसी पानी को निकालने को लेके इस पानी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज पीतल या तांबे के बर्तनों पे। तो जो ये पानी ऊपर की ओर रह जाता है जब भी हम लोग दही वगैरह जमाते हैं तो उसी को आपको निकाल लेना है और इससे आप साफ़ करिए। पीतल और तांबे के बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है, इस तरीके से इसको निकाल के और बर्तन में डाल लेना है और किसी भी जूने या स्क्रबर की सहायता से इस तरीके से आपको बस हल्का हल्का रब कर देना है। देखेंगे पीतल और तांबे के बर्तन इससे बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं। तो मेरे पास तो तांबे के बर्तन नहीं थे तो मैंने ये पीतल का दिया आपको साफ करके दिखाया हुआ है। अगर आपके पास तांबे के बर्तन हैं पूजा वगैरह के तो इससे आप साफ करेंगे बर्तन आपके बहुत ही अच्छे से चमक जाएंगे। तो बस आपको थोड़ा सा इस तरीके से चला देना है और इसको आपको धुल लेना है। आप देख सकते हैं धुलने के बाद दिया कितनी अच्छे से चमक गया है और पहले आपको दिखाया हुआ था काफ़ी ज़्यादा पीला पड़ा हुआ था। तो ऐसे आप आसान तरीके से पीतल और तांबे के बर्तन को साफ कर सकते हैं। अगली टिप है प्रेस को लेके। जब भी हम लोग प्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो जब भी गंदे हाथों से पकड़ लेते हैं या ज़्यादा दिनों तक इसको ठीक से साफ नहीं करते हैं तो इसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं, साथ ही धूल वगैरह चिपक जाती है। तो इसको साफ करने के लिए आपको लेना है टिश्यू पेपर, उसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट और थोड़ा सा इसमें रख लेना है पानी को और इस तरीके से आपको मिला के और इसको आपको पूरे प्रेस पर कुछ इस तरीके से रब कर देना है। तो जब आप इस तरीके से प्रेस को साफ करेंगे तो प्रेस भी बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगी, साथ ही प्रेस खराब भी नहीं होगी। क्योंकि जब भी हम लोग पानी वगैरह का अगर प्रेस पर इस्तेमाल करते हैं तो प्रेस खराब होने का डर रहता है। तो आपको इस तरीके से इस टिश्यू पेपर को पूरे प्रेस पे अच्छे से रब कर लेना है। तो कोलगेट जो होता है ये सफाई का बहुत ही अच्छे से काम करता है, साथ ही दाग धब्बे हटाने में भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो इस तरीके से आपको इसको पूरे में रब करके और कॉटन के साफ कपड़े से आपको ऐसे पोंछ देना है। तो जब आप इस तरीके से साफ करेंगे तो आप देखेंगे जो प्रेस आपका है बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा। तो इस तरीके से आप गंदे से गंदे प्रेस को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रेस है कितने अच्छे से साफ हो चुका है। अगली टिप है सफ़ेद कपड़े में लगे हुए दाग को लेके, चाहे वह पेन का दाग हो, स्याही का दाग हो या कोई भी कलर वगैरह का दाग हो। तो जब भी सफ़ेद कपड़ों में दाग लग जाता है तो इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो एक बार में पूरा दाग निकलता ही नहीं है। आज लेकर आए हैं ऐसा तरीका कि आप दाग को तुरंत ही निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है परफ्यूम। जो भी आपके पास परफ्यूम हो, एक्सपायर वगैरह हो, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर भी इस तरीके से पेन के निशान पड़े हों वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा परफ्यूम डाल के और उंगली से आपको रब करते जाना है। इसके बाद में आपको ले लेना है कॉटन और कॉटन से आपको इस तरीके से इसको साफ कर देना है। तो जैसे ही आप कॉटन से साफ करेंगे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो पेन की स्याही लगी थी वो निकल के आने लगेगी। इसके बाद में अगर आपको थोड़े से निशान और दिखाई दें तो आप क्या करिए, परफ्यूम को लेके आपको इसमें फिर से दोबारा डाल देना है। तो ऐसे जब आप साफ करेंगे तो गहरे से गहरे पेन और स्याही के निशान बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेन का निशान था काफ़ी अच्छे से साफ हो गया है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉटन और लेके साफ कर देना है और ऐसे आपको हाथों से हल्का हल्का मसल देना है जिससे कि जो भी इसमें स्याही वगैरह लगी होगी वो भी निकल के आ जाएगी। इसके बाद में आपको ले लेना है नॉर्मल पानी और इसको आपको इस तरीके से धुल लेना है। धुलने के बाद आप देख सकते हैं जो शर्ट में पेन के निशान लगे हुए थे कितने अच्छे से साफ हो चुकी हैं, अब कोई भी निशान नहीं बचा है। तो ऐसे आप भी अगर पेन के निशान वगैरह साफ कर रहे हो तो इस टिप्स को ट्राई करेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगली टिप है यहाँ पर सूखे सिंदूर को लेके। जब भी गर्मी के मौसम में हम लोग सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं तो पसीना आने की वजह से तुरंत ये निकल जाता है
और मथे पर बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो आज लेकर आए हैं ऐसा तरीका कि आप सूखे सिंदूर को पक्का बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है गुलाब जल और इस तरीके से आपको सिंदूर में थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना है और डाल देना है आपको थोड़ा सा नारियल तेल, बस दो बूंद तेल डालना है, तेल आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इस तरीके से आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, तो आप देखेंगे ये लिक्विड की तरह बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने बना लिया है। इसके बाद में हम अभी इसको आपको लगा के दिखाने वाले हैं कि कितने अच्छे से बनके तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने इससे पहले भी लगाया हुआ था एक जगह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल लगा के दिखाया हुआ है जो सिंदूर है कितना ज़्यादा चमक रहा है और कितने अच्छे से हाथों में कलर भी दे रहा है। तो ऐसे आप इस सिंदूर को पक्का कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसको लगा के और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इस सिंदूर बहुत ही अच्छे से पक्का पड़ जाएगा, जल्दी से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप इस सिंदूर को गर्मियों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगली टिप है यहाँ पर आपको किसी भी बर्तन में ले लेना है एक चम्मच नमक, इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी और चम्मच की सहायता से आपको अच्छे से मिला लेना है। ऐसे मिलाना है कि जो नमक के कण है बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, पानी में अच्छे से घुल जाए। तो इस तरीके से आपको उसको अच्छे से बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही थोड़ी देर चम्मच को चलाएंगे तो आप देखेंगे जो नमक है पानी में काफ़ी अच्छे से घुल जाएगा। तो इसके बाद में आपको ले लेना है बेलन, जिससे कि हम लोग रोटी वगैरह बेलते हैं, उसी के ऊपर आपको इस पानी को इस तरीके से डाल देना है। और डालने के बाद में आपको करना क्या है, इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो हमने पानी डाला हुआ है ये अच्छे से सूख जाए। तो ये काम आपको तब करना है जब आप बाजार से नमक ला रहे हो, तुरंत ही आपको पैकेट को खोल के इसको इस तरीके से चेक करना है। तो जब भी ये पानी सूखने के बाद अगर इसमें एक मोटी सी वाइट कलर की परत आ जाती है और जब आप इस तरीके से उंगली से उसको हटाते हैं तो एकदम से ये पाउडर की तरह अगर निकलती है तो आप समझ जाइए नमक में मिलावट है। अगर इस तरीके से नमक में कोई परत नहीं आती है और उंगली चलाने के बाद बिल्कुल भी पाउडर जैसे नहीं निकलता है तो आप समझ जाइए नमक में कोई भी मिलावट नहीं है। यहाँ जो मैंने नमक को बेलन पे डाला हुआ है इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो इस तरीके से आप नमक लाने के बाद उसको चेक कर सकते हैं। अगली टिप है यहाँ पर चूड़ियों के लेके, जब भी हम लोग इस तरीके से चूड़ियाँ वगैरह ले आते हैं तो होता क्या, जैसे कुछ दिन पहनते हैं तो जल्दी से टूटने लगती हैं। तो जब भी आप चूड़ियाँ ले आएँ तो आप क्या करिए, जब भी हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं तवा गर्म रह जाता है तो गैस बंद करने के बाद में आपको इन चूड़ियों को तवे पर इस तरीके से रख देना है और आपको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ध्यान रखना है गैस को बिल्कुल भी नहीं जलाना है, इसको सिर्फ आपको गर्म तवे पर छोड़ देना है। तो 10 मिनट बाद तवा भी ठंडा हो जाएगा और जो आपने इसके ऊपर चूड़ियाँ रखी होंगी बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाएंगी। तो जब आप इस तरीके से चूड़ियाँ लाने के बाद इसको तवे पे रख के चूड़ियों को इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। अगर आपको आज के ये छोटे छोटे टिप्स पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय।